होता है सबका मेहनत होता है लेकिन हाँ अधिकांश जितने भी महिला है हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री की सबके साथ सबसे ज्यादा मैंने काम किया और काम ज्यादा जो करता है तो दिखा तो वही जाता है दिखता तो वही तो शायद इसलिए हम दोनों का गाना एक हम लोगों ने स्टेज किया था वो बहुत बड़ा था गाँव डेढ़ सौ मिलियन गाना है लव कल और चलिए कल प्रयागराज में खेसारी लाल यादव जी का स्टेज शो चल रहा था शानदार स्टेज शो और साथ में थी शुभी शर्मा भी खेसारी जी ने वहां पर कहा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा हीरोइनों के साथ सबसे ज्यादा काम मैंने किया है और जब आप ज्यादा काम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप सबसे ज्यादा दिखेंगे भी और यही कारण है कि मैं सबसे ज्यादा दिखता भी हूं देखिए सच भी है जितनी भी फेमस फेमस एक्ट्रेस है अभी जो बहुत ज्यादा काम कर रही है कुछ ऐसी एक्ट्रेस जो कुछ दिन पहले तक बहुत ज्यादा काम कर रही थी बट अभी नहीं कर रही है उन लोगों को पहले खेसारी लाल यादव जी ने अपने साथ काम दिया उसके बाद यहां काम करने के बाद उन एक्ट्रेस का इतना डिमांड बढ़ जाता है कि फिर और अदर बड़े बड़े स्टार भी उनको अपने साथ काम देने लगते हैं हालांकि उसके बाद ऐसा भी देखा गया है कि बाद में वही एक्ट्रेस खेसारी जी का गुणगान छोड़कर किसी और स्टार का गुणगान करने लगते हैं और ऐसा तब होता है जब खेसारी जी उसको अपने पास से हटा देते दे हैं जाहिर सी बात है कि एक, एक एक्ट्रेस के साथ लगातार लंबे समय तक काम नहीं किया जा सकता भाई क्योंकि बदलाव परिवर्तन ही संसार का नियम है और बदलाव नहीं करेंगे तो लोग देखना बंद कर देंगे समय समय के बाद ऑडियंस की च्वाइस भी चेंज होती रहती है वो अलग बात है कि जो खेसारी लाल यादव हैं वो अपने आप को इतना मेंटेन करके रखते हैं समय के साथ इतना अपने आप को भी मेंटेन करते हैं मैनेज करते हैं बदलते हैं कि इनके स्टार्डम में फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन हाँ जिस जिस एक्ट्रेस को खेसारी जी ने हटाया है बाद में वही लोग दूसरे स्टार के पास काम करते हैं और फिर खेसारी जी के खिलाफ इंटरव्यू भी दे देते हैं और कभी लाइव में भी कुछ कटाक्ष कर ही देते हैं ये हमें देखने को अक्सर मिलता ही रहता है ये प्रयागराज का स्टेज शो था एक तिलक समारोह में पहुँचे थे खेसारी जी शुभी शर्मा के साथ और मुझे लगता है कि शुभ शर्मा ने भी खेसारी जी के खिलाफ कुछ ना कुछ कभी ना कभी शायद जरूर बोला होगा लेकिन फिर भी देखिए मंच पे जो है वो शुभ शर्मा को मौका दिया खेसारी जी ने खैर अपडेट था आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कह सकते हैं कमेंट बॉक्स में मैं महेश पांडे आप लोग देख रहे थे वुड एंटरटेनमेंट थैंक यू